दो दो E46 हैं सुबह सुबह। अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक खैर से बहुत मजे में होंगे और आपका आज का दिन बड़ा खूबसूरत गुजरा होगा। हमारी सुबह हो चुकी है, एक हसीन सा दिन है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, धूप शूप का कोई नामो निशान नहीं है, ठंड वैसे ही आ चुकी है लाहौर में और आज का मौसम कुछ इस तरह का लग रहा है कि आज रात को कुछ ज़्यादा ही ठंड होने वाली है। आज के दिन के बारे में बात करें तो आज है वो ड्रिफ्ट इवेंट और वो ड्रिफ्ट डे जिसके बारे में हमने आपसे पहले जिक्र किया था पिछले व्लॉग में। जो आपने सारा गाड़ी का प्रोसेस और काम शाम देखे वो अभी आज रात को ही ख़त्म हुए थे और अभी सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम पंप पे आ चुके हैं, गाड़ियाँ वॉश वूश होनी है और इसके बाद हमने निकलना है डायरेक्ट एसए गार्डन का बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो बहुत जल्द जान जाएंगे। अगर आपने पहले हमारी एक वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपको पता होगा कि हमने एक अदर वीडियो शूट की भी एसए गार्डन में। खैर वो ड्रिफ्ट वीडियो नहीं थी, ना वो कोई ऐसी वीडियो थी। तो आज हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं एसए गार्डन थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग के लिए, थोड़े से मज़े के लिए। इस्लामाबाद से बॉयज़ आए हुए हैं, कराची से गाड़ियाँ आई हुई हैं, लाहौर की गाड़ियाँ, सारी सेटअप है, सारी ड्रिफ्टर भाई हैं। हम नूब हैं और हम कह लें कि बिल्कुल पहली दफ़ा ही ट्रैक पे जा रहे हैं और पहली दफ़ा ही हमने गाड़ी चलानी है। आज का इंट्रो इतना लंबा इसीलिए है क्योंकि आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है और उसके बाद आपने सिर्फ मूवमेंट्स इन्जॉय करने हैं। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खैर वाफी से लेके जाए, खैर वाफी से लेके आए और हमारी गाड़ी को भी अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ चलते हैं गाड़ी के वॉश की तरफ। और कैमरामैन भी दिखाओ ना, नींद में कैमरामैन थोड़ा नींद में है भाई। कैमरामैन अब उधर गाड़ियां वॉश हो रही हैं हमारी, वो देखें हल्की सी, आपको इधर से चलक दिखा देते हैं, उधर हमारा जाना मुश्किल है। अब इधर करना हाँ। ओहो अपने पे भी। रात को हम कितने बजे घर आए हैं? दो बजे हमारी गाड़ी का काम खत्म हुआ है, हम घर आए हैं बड़ी मुश्किल आगे, थोड़ी देर बैठ के बस खाना शाना खाया और उसके बाद नींद नहीं आई क्योंकि 9 बजे का बुलावे का टाइम था जी, तो नींद उस टेंशन से ही नहीं आई। जो लोग सोए थे वो ज़्यादा आवाज़ आ रहे हैं, हम नहीं सोए, हम भी आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर कर सी। ये प्रीवियस ओनर भी आए हैं, अल्लाह खैर करे। अपनी गाड़ी के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, तो अपनी गाड़ी के बारे में आपको पता ही है, BMW E46 अंदर है जी, 3UZ V8 पीछे डाल दिए हैं अपने पुराने काले वाले रिम्स। इसके अलावा हमारे पास दो रिम और दो टायर एक्स्ट्रा हमने गाड़ी के अंदर रख ली हैं। टोटल हमारे पास 6 टायर हैं उड़ाने के लिए और 2 ये वाले पीछे डाल के हम घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह खैर वाफियत से। उसके अलावा जो आगे हमने अपग्रेड्स किए हैं उनमें शामिल है जी एयर फिल्टर बत्ती में कर दिया, बम्पर हमने उतार दिया क्योंकि अल्लाह ना करे अगर गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो बम्पर का नुकसान हो सकता है, बम्पर उतार दिए। ऑयल कूलर हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, ट्रांसमिशन कूलर हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, इसके अलावा ऑटोमेटिक है और बोन स्टॉक गाड़ी है। नंबर 2 हमारी गाड़ी के एक्स ओनर और इस गाड़ी के करंट ओनर सैमी आतिफ साहब, इनकी गाड़ी है जी BMW E46 अंदर है जी 1JZ GT गाड़ी, ये भी बोन स्टॉक है, स्टॉक सब कुछ लो PSI पे चल रही है, एयर इंटेक इंटेक लगा हुआ है, हमारी गाड़ी वाली सूरत हाल है, ऑटोमेटिक है और इस गाड़ी में ई ब्रेक नहीं मौजूद क्योंकि ई ब्रेक हमने अपनी गाड़ी में लगा ली है। सुबह उठा ही गैप ये धूप ना फेस होने वाला था, एक नया जोक निकला क्योंकि तकरीबन बहुत अरसे के बाद सारे बॉयज इतनी सुबह इकट्ठे हुए हैं और इतनी सुबह कहीं जा रहे हैं तो आदत ही नहीं है इतनी सुबह उठने की, तो इसीलिए फिर सोई नहीं है। फेस नहीं हो रही तू? फेस नहीं हो रही। 4000 रुपए की शॉपिंग की है हमने, पता नहीं हम पिकनिक भी जा रहे हैं, बाज भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, उमेर भाई भी पूरे ही ऐनक लगाए घूम रहे हैं और ये गाड़ियाँ गैदर होना शुरू हो गई, गाड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं, X100 भी आ गई है रेहान की, 350Z भी आ गई है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ मजीद भी आ गई हैं, प्रॉपर ड्रिफ्ट बिल्ट मैनुअल 1JZ GT E46 ये आपको ट्रैक पर पहुँच के दिखाते हैं, बड़ी मेरी पसंदीदा गाड़ी है, ये भी आ गई है। खैर नाश्ता नुश्ता यही है, चलते हैं। V8 भी आ गया जन, कितना V8? ओके और सुना टिकटॉकर, लेकिन फ्यूल स्टॉप ऑफ द डे, पहले हम $3000 फुल करनी है बॉस ऑटो पे, 3000 का डलवा के इधर तक पहुँचे हैं, अब देखते हैं फुल कितने में हो रही है। ऐसे गार्डन तक का सफ़र है और उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। भाई जी चाय पीते हुए मैं अपना व्लॉग भी बना रहे हैं। क्या
खड़ा हुआ। अब हम पहुंच चुके हैं जीडी रोड पे, चढ़ने लगे हैं टूल प्लाजा क्रॉस करके। और चेक जानू गेट है ना जी, हम पहुंच गए से गार्डन्स। क्यों क्या हुआ भाई, आप गुस्से में हो जी? क्या हुआ है यार, तुम आ रही है ना? ओ यार ये रिकॉर्ड हो गई चिटिया। कोई बात नहीं, वी आर हियर एट एसए गार्डन लाहौर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक अदद JZX100 जिसमें है जी 2JZ GTE, उसके साथ एक अदद BMW E46 जो कि हमारी है, इसमें है जी 3UZ V8 अब्यूज्ड बाय सेमी अदद मेंटेन्ड बाय असम्बल। उसके साथ आप देख रहे हैं उसके साथ आप देख रहे हैं V2 मेंटेन्ड बाय सेमी अदद। इसके अलावा इनके अलावा दुनिया है देखने को JZX90 फ्रॉम इस्लामाबाद। JZX90 फ्रॉम इस्लामाबाद 3UZ मैनुअल, इसमें भी मेरे ख्याल से V8 है, इसमें 1JZ GT है, मेरी बड़ी फेवरेट E46 कूप, ड्रिफ्ट बिल्ट, एंगल किट, ई ब्रेक, हर शे E36 फ्रॉम इस्लामाबाद, इसमें भी 1UZ मैनुअल है, उससे आगे इसाफ खान साहब की JZX90, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें 1JZ GT है, नॉन VVT सेमी आते भी गाड़ी लेने गए थे लेकिन इनको नहीं मिली। खैर ये सारे सीन चल रहे हैं ट्रैक पे, पता नहीं अपनी बारी कब आती है, बट लेट्स सी। ये हमारे जो ट्रैक का ना मेन स्ट्रेट है 60 फीट वाइड है ये पूरा। लास्ट टाइम हमारी ये पिट लेन थी लेकिन अब हमने ट्रैक एक्सटेंड कर दिया, तो वो आपको टेढ़े कॉन्स नजर ये पूल के साथ स्टार्टिंग लाइन के साथ पड़े हैं। आ रहे हैं नज़र ये क्या? आ रहे अच्छा ब्रो, वहाँ से स्टार्ट है और ये जो ये सारे फ्लैग्स पड़े हैं कॉन्स, ये बिल्कुल सामने हमारे जो बॉयज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यार क्या है ये गाड़ी, LS Swapped 1 of 1 350Z पाकिस्तान की एक ही प्रॉपर ड्रिफ्ट बिल्ड गाड़ी, सुभान अल्लाह। जितने में गाड़ियां तैयार करते हैं उतने का खाली इंजन है भाई, उसने परफॉर्म तो करना है। जी क्या ख्याल आता है, अल्लाह हू अकबर सुभान अल्लाह, क्या कहना चाहोगे? इस पे लिखा हुआ ना मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन, ये बनता है भाई इस गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये जी भट्ट साहब का भी रन होने लगा, पहली दफ़ा ट्रैक पे आए हैं, कुछ गाड़ियां वो हैं, देखते हैं आज भट्ट साहब क्या करते हैं। रोडों पे तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ डोनट चोनट, इधर देखते हैं क्या होता है। यस बैठ जी, अप फॉर ग्रैब। थंबनेल थंबनेल रिम सीधा कर, ओए रिम तो आगे कर। ये क्या होने लगा है? मुझे लग रहा है टैंडम होने लगा, रियांश की गाड़ी तला भाई लेके गई, मैं जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते नहीं नहीं, बचत होगी बचत होगी। वो इसकी हार्ट बीट चेक कर, बट विद माई फ्रेंड हसन बट फ्रॉम लाहौर इन हिज वीएच, और यहाँ पे हम गाड़ी घुमाने लगे हैं, देखते हैं उस्ताद जी हसन बट फ्रॉम लाहौर कौन सा गुड़ खिलाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हल्के हल्के टायर गर्म किए जा रहे हैं, बाय
वेरी नाइस फुल हैवी एंगल बट माय फ्रेंड आई एम प्राउड ऑफ यू पावर ज्यादा बढ़ रही है वहाँ ब्रेक बूस्ट पे चल रहा है ब्रेक थ्रॉटल ब्रेक थ्रॉटल ब्रेक थ्रॉटल इंशाल्लाह थैंक यू फरहान भाई बहुत शुक्रिया आपका जितना हुआ अच्छा अच्छी बात थैंक यू फरहान भाई गुड परफॉर्मेंस वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक V8 फर्स्ट टाइम एवर पहली गाड़ी पहली दफा ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज इसी के साथ आज का दिन और आपके भाई की जिंदगी का पहला ड्रिफ्ट डे ड्रिफ्ट इवेंट या फिर इसको आप जो भी कहना पसंद करें पहली दफ़ा आपका भाई ट्रैक पे आया था पहली दफ़ा हमने अपनी BMW पे थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग की ऑल दो हमारी गाड़ी एक ड्रिफ्ट बिल्ट कार नहीं है ना ही हमारी गाड़ी में एंगल किट है ई ब्रेक हमने लगाई थी लेकिन हमने इसका यूज़ नहीं किया क्यों नहीं किया फिर कभी बताएंगे लेकिन ना ही हमारी गाड़ी में एंगल किट है ना ही ई ब्रेक है और ना ही कुछ इस तरह का और सीन है ना ही हमारी गाड़ी मैनुअल है तो जितना हमसे हो सका हमने किया बाकी सब भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया जितने सीनियर भाई हैं हमसे सारे सीनियर हैं वैसे तो हम ही जूनियर हैं अभी क्योंकि अभी बहुत कुछ है सीखने को लेकिन आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा एंड सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि ये एक बहुत इंतहाई नहायत सेफ़ इन्वायरमेंट है और इससे अच्छा आप इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है ड्रिफ्टिंग के लिए अगर आपने करनी है सेफ़ इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और प्रॉपर सिक्योरिटी भी है उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट भी है सबसे ज़रूरी होती है मैनेजमेंट खैर आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजर गया आई एम मोर देन हैप्पी मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या इस टाइम पे फीलिंग्स हैं अंदर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हमारी कोशिश जो कि ड्रिफ्टिंग की कोशिश थी एज अ बिगिनर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए रवाना हो रहे हैं टूवर्ड्स लाहौर लाहौर हमसे ज़्यादा दूर नहीं जी भाई खाना खाना नहीं खाना ओके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि GT रोड है तो टेल नहीं मारनी और अब तो वैसे भी दो हफ्ते टेल नहीं मारनी जितनी टेले बाहर छोड़ी है मिलते हैं आपसे बहुत जल्द तब तक के लिए आपसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें भाई कहते इजाज़त अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट है वेखो हाथ वेखो है हालत वेखो सारी के साथ